Very good morning, students. Today, students, we will continue chapter 8, comparing quantities. In the previous video, students, we have done exercise 8.1. So today we will do exercise 8.2. Open page number 164, students. Open, yes. In this exercise, students, we will learn how to convert fraction numbers to percentage and decimal numbers को कैसे आप percentage में convert करते हैं. Okay, percentage से related questions students आज हम करेंगे. So question number one है आपके पास, convert the given fraction numbers to percent. आपको ये है students, first question में आपके पास fraction given है, आपने उसको percentage में change करना. So ये है question number one. फर्स्ट पार्ट 1/8. कोई भी स्टूडेंट्स अगर आपके पास क्वेश्चन में फ्रैक्शन गिवन है और आपने इसको चेंज करना है किसमें, परसेंट. हाउ टू चेंज, मल्टीप्लाई बाय 100. यस, मल्टीप्लाई 100. तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100. अब यस, इसको कट कर लीजिए 100/8. ये आ गया आपके पास 100 और इधर 8. 4 की टेबल से स्टूडेंट्स, 4 2 8, 4 5 20 equals to 25/2. Yes, अब इसे आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स. 2 1 2 2 2 4 2 5 10. तो ये आ गया आपके पास 12.5%. फ्रैक्शन अगर आपके पास गिवन है और आपने उसको परसेंट में चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. यस, ठीक है. परसेंटेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 100, ठीक है. यस, पार्ट बी 5/4. अब ये भी आपके पास क्या है, फ्रैक्शन गिवन है, आपने इसको परसेंट में चेंज करना है, मल्टीप्लाई 100. कट करेंगे इसको, 4 से 100 डायरेक्ट कट हो जाएगा, 4 1 4. अगेन 4 2 8 5 4 5 20 25 को 5 से आपने मल्टीप्लाई किया, ये आया 125%. दिस इज पार्ट बी. नेक्स्ट पार्ट सी स्टूडेंट्स, 3/14. अगेन इसको चेंज करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट. अब ये 2 2 4 2 5 5 3 15/2. अब इसको आप डेसिमल में कर लीजिए, 2 7 40 2 5. तो ये परसेंट आ गया आपके पास 7.5%. पार्ट डी 2/7. फ्रैक्शन आपके पास गिवन है, परसेंट में चेंज करना है, मल्टीप्लाई 100. यस, अब देखिए स्टूडेंट्स, 2/7 × 100 है. अब ये किसी से भी कोई भी टेबल से कट नहीं हो रहा, 7 और 100. तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200/7. अब 200/7 को आप डेसिमल में कर लीजिए, ये परसेंटेज है, और 200/7. Yes, 7 2 46, आपके पास रिमाइंडर बचा 6 0 60. 7 8 15 6. 4 आप यहाँ लिखिए, तो यह आपके पास 28 4/7%. यस, ये भी आपके पास परसेंट है स्टूडेंट्स, ये भी करेक्ट होगा, और आपने इधर से डेसिमल में चेंज कर लिया तो ये भी करेक्ट. यस, इसका 125%. और जैसे 15/2 है, फ्रैक्शन में आ गया, तो आपने तो परसेंट में चेंज करना था, तो अगेन आपने इसको डेसिमल में चेंज कर दिया. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, कि आपके पास जो है फ्रैक्शन में टर्म गिवन थी और आपने इसको परसेंट में चेंज कर दिया, परसेंट में चेंज करना था. यस, तो ये आ गया आपके पास 25/2. ये अगेन फ्रैक्शन में आ जाता है स्टूडेंट्स, तो आपने इसे डेसिमल में चेंज करना है,
अगेन 125% मल्टीप्लाई। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, कोई भी अगर आपके पास फ्रैक्शन आएगा और आपने उसको परसेंट में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। फिर आपने सिंपल जैसे कट करते हैं उसे कट कर लेंगे सेम टेबल से, 4 to 8, 4 to 8, 4 to 5 से स्टूडेंट 25% इसे मैं आपके पास नंबर गिवन है, डेसिमल फ्रैक्शन को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यस, लेट अस सी स्टूडेंट्स हाउ टू डू। फर्स्ट पार्ट 0.65, ये डेसिमल नंबर आपके पास गिवन है, इसको आपने परसेंट में करना है। मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी कहा था कि फ्रैक्शन है, अगर आपने उसको परसेंट में चेंज करना है तो भी आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। परसेंट का मीनिंग ही क्या होता है स्टूडेंट, कोई टोटल अगर आप बात करते हैं परसेंट में तो इट मीन्स 100। यस, कोई भी आपके पास क्वेश्चन आएगा चाहे फ्रैक्शन में आए या डेसिमल नंबर में आए और वो क्वेश्चन हो कि आपने उसको चेंज करना है परसेंट, तो आप कैसे चेंज करेंगे, हाउ टू डू मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करें। यस, तो यह जाएगा आपके पास 65/100 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, डेसिमल से मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया और आपने इसे परसेंट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई आया 100 गया, तो यह आपके पास 65 पार्ट ए। नाउ पार्ट बी 2.1, आप इसको कैसे ले सकते हैं, 21/10 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट रिमूव करेंगे तो बाय में क्या जाएगा 10, 21/10 में चेंज मल्टीप्लाई बाय 100% में चेंज करेंगे, 0 से 0 कट, तो ये आ गया आपके पास 210%। दिस इज आंसर ऑफ पार्ट बी। पार्ट सी स्टूडेंट्स, यस 0.02, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2/100 पॉइंट के बाद 1, 2 डिजिट्स है तो बाय में 1 के साथ क्या लग जाएगा 2 0, तो यस 2/100। अब इसे अगेन आपको किस में चेंज करना है, परसेंट, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100 से 100 या क्या 2% आंसर। यस, नेक्स्ट है आपके पास पार्ट डी स्टूडेंट्स 12.35 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है आपने, वेरी सिंपल। पार्ट डी 12.35 को आपने चेंज किया बाय 100, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे और मल्टीप्लाई करेंगे आप 100, तो ये आया आपके पास 1235। दिस इज आंसर। द
Now clear student question number 2. Next question number 3. Total parts are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total parts kitne hai students? 8.
So first answer is 3/8 part of the figure is correct. And friction, friction क्या है? 3/8 multiply 100, इसको कट कर दीजिए 4 से. 4 2 8 4 2 8 4 5 75 by 2%. और इसे आप डेसिमल में स्ट्रेंज कर सकते हैं और नहीं तो मिक्स में भी कर सकते हैं. यस, तो ये आ जाएगा 2 3 6 2 7 40 एंड 2 5 37.5%. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. सबसे पहले आपसे क्या लिखना है स्टूडेंट्स की टोटल कितना फिगर का पार्ट जो है वो कलरिंग हो रखा है, कलर्ड है. टोटल पार्ट्स काउंट करने हैं. जैसे हमने अभी फ्रैक्शन राइट हैस करना, मतलब 1 2 3 4 4 वन में कलरिंग है तो 1/4. इसमें टोटल पार्ट्स है 5, तो आपके पास डिनोमिनेटर आया 5 और कितने पार्ट्स कर रही है 1 2 3. सो दिस इज 3/5. ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 और कितने पार्ट्स फिगर की कलरिंग है 3 पार्ट्स. 3/8. फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये आपके पास दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4. Now question number 4. Yes. Fourth question है students आपके पास. और third question की आप figure draw कर सकते हैं. आपने figure जो है वो draw करनी पड़ेगी, ठीक है, notebook में. और make sure that कि each part जो है वो equal हो, ठीक है. आप properly circle को compass से draw करेंगे ना, उसमें part shading करेंगे, हर part equal होना चाहिए students, तभी आप इस तरह से fractions को write कर सकते हैं कि कितना part कर रहा है. ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास. फर्स्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट फाइंड 15% ऑफ यस. आपको क्या फाइंड आउट करना है फोर्थ क्वेश्चन में? 15% ऑफ 250. 15% परसेंट का साइन आप सबसे पहले रिमूव करेंगे तो इट मींस आप डिवाइडेड बाय क्या लगाएंगे? 100. सबसे पहले स्टूडेंट इन क्वेश्चंस में कि आपको 15% निकालना है. किसका? ऑफ 250 का 15%. कैसे फाइंड आउट करते हैं? परसेंट का साइन आप रिमूव करिए, डिवाइडेड बाय 100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड 0 से 0 का स्टूडेंट्स, ठीक है, 15%. 100, दिस इज 15/100 का मतलब क्या है स्टूडेंट? अगेन 15% ऑफ मल्टीप्लाई 250. 0 से 0 कट. 5 3 15, 5 2 10. और देखिए स्टूडेंट्स एक एक कट रहा है, वो 3 × 75 = 2. इसे कर लीजिए 37.5. अभी आपके पास कितना आया? 37.5. नेक्स्ट है पार्ट बी, 1% ऑफ 1% ऑफ 1 आर स्टूडेंट्स. अगेन 1/100 राइट कर सकते हैं 1% को 1/100. ये अगर साइन रिमूव हुआ तो डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय, तो ये आ गया आपके पास 1/100. आप इसे चाहें तो स्टूडेंट्स मिनट में चेंज कर सकते हैं. 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स. Yes, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/100 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स. 0 से 0 कट. 2 3 6 2 5 7, तो ये आया 3/5 मिनट्स. ये भी आंसर हो सकता है स्टूडेंट्स, 1/100 आर भी आंसर हो सकता है. और आप चाहे तो इसे सेकेंड्स में भी कर सकते हैं. 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60, तो मल्टीप्लाई 65 से कट कर 5 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
तो यार आपके पास 36 सेकेंड्स, यस 36 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट सी 20% ऑफ रुपीज 25। 20% अगर आपको फाइंड आउट करना है किसका स्टूडेंट्स, रुपीज 25। दिस कैन बी रिटन एज 20/100 मल्टीप्लाई, यस 20% को कैसे राइट कर सकते हैं, 20/100 राइट कर दिया ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 25/100, 20 से 20 कट, तो ये कितना आया, रुपीज नहीं आया स्टूडेंट अब आपके पास। ठीक है, ये रुपीज में आया 25 × 2 = 50 एंड 0। तो ये 25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, रुपीज 500। पार्ट डी है क्वेश्चन नंबर 4 का स्टूडेंट्स, 75% ऑफ 1 किलोग्राम। अगेन इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 75/100। 1 किलोग्राम में स्टूडेंट्स कितने ग्राम, 1000 ग्राम। तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दिया, 20 से 20 में कितना आएगा, 750। ये भी आपके पास आंसर हो सकता है स्टूडेंट्स। और अगर आपने किलोग्राम में करना है तो ये आप इसको जो है किलोग्राम में भी कर सकते हैं, बहुत हार्ड कर। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर इसको आप अगर यस ये पार्ट डी था 75/100 मल्टीप्लाई, तो ये किलोग्राम है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 25 × 3 = 25 = 4, ये आपका 3/4 किलोग्राम। किलोग्राम में करना चाहते हैं तो किलोग्राम में भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और नहीं तो ग्राम में भी कर सकते हैं, तो 750 ग्राम। क्लियर, यस ओके स्टूडेंट्स। और तो अब आप इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, ये 4 क्वेश्चन करके आप मुझे सेंड करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैं होमवर्क राइट कर रही हूँ इसका। यस होमवर्क है आपके पास, टू क्वेश्चंस 1 to 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 एंड ऑल्सो टू इन 10 का लर्निंग बुक का आपको करना है पेज नंबर 51, 52 एंड 53। फर्स्ट 4 क्वेश्चन करके और आप ये होमवर्क करके मुझे सेंड करेंगे, कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो हम डाउट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। ओके थैंक यू।